अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तुझे आज क्या हो गया? कभी चा कभी छास ने हवे ये पालना मेरा कमरे में लेके आई। छूजे बात छूजे अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना। ओ हो 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 जो त्यारे समझो बहु रानी को होने वाला है ना। अब बोल तुझे भी कोई बात करनी थी ना। फटाफट बोला आखो दिवस ना लगाड़ती जैसे तू हंसती थी ना ये पूरा दिन लगाया तूने। चल बोल फटाफट वर्ष खत्म होने के पहले पहले। एक वर्ष से पहले हो जाएगा। अरे साफ साफ बोल ना। मैंने एक बात ये कि ये पालना। हाँ पालना तो मैं देख रहा हूँ पर बात क्या है मालिक? मालिक वो क्या हुआ चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुरल भाभी को दर्द शुरू हो गया है, हमें अस्पताल जाना होगा। जल्दी से चलिए ना नीचे। हाँ समझी गयो जा शशांक को बोल गाड़ी निकाले मैं आता हूँ। चल चल अवे तो बता बात क्या है। मेरी बात बाद में पहले तुरल चल। आल पची तुरल आनंद हाथ पकड़ दिया क्या? हाथ पकड़ दिया आनंद चल पकड़ी पकड़ी चल कहीं नहीं तोड़ा तुमने। अरे आराम से धीरे धीरे कुछ नहीं होगा तुम्हें दर्द नहीं है। नितिन कुछ होगा इसलिए तो दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा थोड़ा दर्द होगा बस। एक तुम काम करो एकदम ये लंबी लंबी सांसें लो। ये क्या कर रहे हो नितिन चलो नीचे। अरे नहीं चल 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 आराम 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 से आराम से पकड़ा। अरे बा अरे अरे जल्दी करो इसके डिलीवरी का टाइम हो गया। अरे तू जा ना जल्दी हॉस्पिटल लेके जा। अरे क्या हुआ क्या होगा जा अब जा अब जल्दी जा। अरे क्या कर रही हो वा जल्दी आना मुझे बहुत दर्द हो रहा है हॉस्पिटल जाना है मुझे। चल हो गए हो क्या हिंदी में तू इसे संभालो। पापा तुरल को बहुत दर्द हो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अब क्या होगा એટલે શું છોકરા होगा या छोकरी होगी અને સંતાન જન્ને કા તો દર્દ તો હોગા ને તું ચિંતા મત હાલ દવા ખાને લઈને જઈ હાલ હાલ। अरे तुम लोग चलो हम लोग आते हैं पीछे पीछे। ए वसु वसु हाँ चलो 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 चलो। अरे राम जल्दी करो। डॉक्टर अरे डॉक्टर क्या चे? अरे भाई डॉक्टर ने बोला उन्हें यार डॉक्टर डॉक्टर इनकी डिलीवरी होने वाली अब जल्दी से कुछ कीजिए। किसकी? अरे किसकी क्या उसकी उनकी ये कैसे हो सकता है? अरे शुरुआत करो जो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तो होगी ना। प्रेग्नेंट इस उम्र में? अरे इस उम्र की बात क्या कर रहे हो? अरे इस उम्र में डिलीवरी नहीं होगी तो। अरे बा धीरे बेटा धीरे धीरे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए। यहाँ आइए चलिए 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 भाई आप आराम से बैठ जाइए। मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ तुरल को? मैं नहीं बैठूंगा मैं नहीं बैठूंगा। इतन भाई पता चल जाएगा बैठ जाइए। हाँ बाबा बैठ जाइए चलो 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 बैठो। Oh,
बा इतनी बार थी गई अच्छी डॉक्टर बाहर नहीं आई थी अरे बा धीरज धरने हुए हाँ हुआ कि नहीं अरे इतनी की सहली बात है क्या अरे इतनी देरी क्यों कर दी आपने अरे क्या बताओ तुझे मैं और धर्मराज दोनों गाड़ी में आ रहे थे और गाड़ी बिगड़ी सेल फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी हाँ मैं कर रही थी टेलीफोन कोई नहीं ले रहा था और वो धर्मराज किधर है धर्मराज भी आ रहा है यार अरे ए संतुड़ी तुम बरोबर है क्या नहीं अंदर तोरा ठीक है ना सब ठीक है पर नितिन भाई बहुत परेशान है हाँ तो 9 महीने से तोरल से अधिक परेशान है हो गया पापा डॉक्टर तोरल कैसी है शी इज फाइन कुछ देर बाद आप उन्हें मिल सकते हैं और मेरा बच्चा वो भी ठीक है लड़का हो या लड़की आप बताइए आप क्या चाहते थे लड़का या लड़की अरे डॉक्टर मस्करी बंद करो तुम्हें तोरल को लड़का चाहिए था बिल्कुल मेरे जैसा लेकिन मुझे लड़की चाहिए थी बिल्कुल तोरल जैसी अब जो भी हुआ मुझे बहुत खुशी हुई आप बस बताइए कि लड़का हो या लड़की आपकी बीवी भी खुश है भगवान ने आप दोनों की सुन ली मुझे समझो नहीं दो बच्चों का बाप बन गया हूं डॉक्टर क्या मैं अपनी संतान को अपने हाथ में ले सकता हूं ले जाओ जो वाह बेटे की सूरत तो बिल्कुल तोरल जैसी और बेटे की मेरे जैसी लेकिन दोनों की हंसी बिल्कुल तोरल जैसी या जो जरा जो या छोकरानी नाक है ना मेरे जैसी है ने छोकरी ने कान है ना जो 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 बरोबर जो अरे क्या तू भी 3 महीने तक ये लोग रंग बदलते रहेंगे फिर उनका नाक और नक्शा समझा तब बोलना अरे बा तू देखना जब रूप गड़ेगा ने रंग चढ़ेगा ना तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही होगा मैं बोल रहा हूँ ना दादा जैसे दिखते जो जो बरोबर जो ए तीन दिख रहा पूछे ना बहुत खुश हो जरा भावुक हो गया खबर से मैंने ये भावना कैसी होती है जब पहली बार मैंने तुझे पकड़ा था ना हाथ में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था तुझे देखा ने तो मुझे लगा मेरी परछाई मेरा वंश मेरे हाथ में है मेरी संतान यतीन भाई आपको तोरल से नहीं मिलना हाँ हाँ लो तुम्हें संभालोगे संभालने का जो आज तुम जो जो हा 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 एक छोकरो ने एक छोकरी शू बात छे जो बा हाँ जो जो मारा जेवा छे के नहीं जो पण एक बात छे आज सुधी सुना था देख लिया दो दो जुड़वा हाँ धर्मराज भाई अभी तो ये 2 बच्चे हैं जब तीसरा आएगा ना तब देखिएगा कैसे बढ़ जाती है आपके घर की रौनक मैं तो कहती हूँ तीसरे बच्चे की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए शू बात करो छो तोरल का तीसरा आपकी पति ने आपको बताया नहीं अरे मेरी धर्म पत्नी चा ने छास ने हमरस छोड़ के बात करे तो खबर पड़े ना कौन छे किसका है बताओ ना तुम्हें बताओ यानी कि आपकी पति ने आपको बताया नहीं कि वो माँ बनने वाली है अरे वाह 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 ले बेटा ये बधाई क्या सगुन बहुत खुश हूँ बेटा बहुत खुश तुझे बता बेटा मेरे से भी खुशी ज्यादा किसको होगी मेरी सुबह रखो क्योंकि तूने
उसकी जगह भी ले ली है और आज तेरी गोद भी भर ली। मैं बहुत खुश हूँ। आज पप्पा बनने की जितनी खुशी मुझे हुई है ना, उससे कई ज्यादा बड़ी खुशी तो तुमने हमें दी। अरे आप लोग खड़े खड़े बधाइयां ही देते रहोगे या खुशी मनाने का कोई कार्यक्रम भी करोगे? तुम करो छो यार। सब मनीष की वजह से। मेरा बस चले तो जानी भी ना दूं। मामा ये सारी गेम्स भी पैक कर लो। विशाल ये गेम्स वहाँ नहीं जा रही है। मामा प्लीज लेके जाने दो ना। स्टॉप इट विशाल, हर बात में जिद मत किया करो। जितना बोलती हूँ उतना सुन लिया करो। अब बाहर जाके बैठो, मुझे काम करना है। विशाल मैं उनके घर जा रहा हूँ तो मम्मी को क्या हो रहा है? विशाल विशाल बेटा सुनो, क्या बात है मेघा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो बात है, बताओ ना क्या हुआ। मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि विशाल समर कैंप में जा रहा है? नहीं, विशाल डीएम के घर जा रहा है क्योंकि तुमने उसे परमिशन दी है। हाँ मैंने उसे परमिशन दी है, वो इसलिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बिजी हो, और अगर विशाल समर कैंप में जाना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है मेरा? मनीष बात जाने देने की नहीं है, तुम बाहर जा रहे हो वो चला जाएगा और मैं यहाँ अकेली रहूंगी। मुझे विशाल के बिना रहने की आदत नहीं है मनीष। मेघा कभी कभी अपनी खुशी के साथ साथ उसकी खुशी के बारे में भी सोच लिया करो। अगर उसकी ज्यादा याद आए और तुम्हारे पास वक्त है तो चले जाना उनके घर पे उससे मिलने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम विशाल को जानबूझकर वहां भेज रहे हो? मैं उसे वहां जानबूझकर क्यों भेजूंगा मेघा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम यहाँ बिजनेस करने आए हो और डीएम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। तुम्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, विशाल को वहां भेज दो और दोस्ती बढ़ाओ ताकि डीएम तुम्हारे साथ बिजनेस करने लगे। तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूं मेघा कि मुझे डीएम के सहारे की जरूरत पड़ेगी यहां कुछ करने के लिए? मुंबई दिल्ली पंजाब चेन्नई बैंगलोर यू नेम इट, पूरे देश में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। इस छोटे से गांव में मैं कौन सा महान बिजनेस खड़ा कर दूंगा मेघा? मैं यहां सिर्फ इसलिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं क्योंकि तुम यहां रहती हो, यहां काम करना चाहती हो। तुम यहां काम करोगी तो ऑब्वियसली यहीं रहोगी, तुम यहां रहोगी तो ऑब्वियसली मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा ना, और अगर मैं यहां रहूंगा तो ऑब्वियसली कुछ बिजनेस तो करूंगा ना मैं मेघा, और तुम हो कि मनीष। मनीष आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। इट्स ओके लवली, मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कोई बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, और यह बात उस दिन से तुम्हें परेशान कर रही है जिस दिन हम लोग डीएम को अहमदाबाद में मिले थे। एम आई राइट? क्या हुआ? नहीं नहीं मनीष, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम या नहीं हो, विशाल वहां अकेला रहेगा, मुझे विशाल के लिए डर लग रहा है।
सब कुछ अच्छा होगा, देखना। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बात तो बहुत बड़ी है मनीष, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये बात पता चले, क्योंकि अगर अतीत की किताब खुली तो हम दोनों का आज खराब हो जाएगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप किस बात से गुस्सा है? वो मालिक, आप खुश तो है ना? मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है मालिक। तू केवी पत्नी से है? मैं बाप बनने वाला हूं, और ये बात मुझे डॉक्टर बता रही है। तू नहीं बता सकती थी मुझे? वहां हॉस्पिटल में पता चला तो सबने तुझे घेर लिया, ने मैं खड़ा रहा मूर्ख की तरह, प्रयत्न करता रहा पर कुछ बोल भी नहीं सका। हैं? अरे बोलने। मैंने कोशिश की थी, पर हमेशा कोई ना कोई आपको घेर लेता था घर में। मैंने कोशिश की, पर इतनी बड़ी खुशखबरी बताने का मौका ही नहीं मिला आपको। घबराई गई ना? अरे गम्मत करो छो यार, तू विचार भी नहीं सकती कि मुझे आज कितना आनंद हो रहा है। और तू केवी डफोर से चा ने छास ने आम रस, अरे गर्भवती के संतान संतान बोलने का ना तो मुझे समझ में आवे। है बरोबर से बात? आजो, क्या लाया मैं तेरे लिए? ले पैर सरस थे ना? बहुत अच्छे मालिक। आप खुश तो है ना? ए, तू तो साव डफोड़ नहीं डफोड़ज रहेस। अरे हवे पण प्रश्न? मतलब ये कि तू ये घर में आवी ने बंदिनी बन के तो मुझे अपना पति परमेश्वर माना, जबकि मैं तुझे अपनी पत्नी भी नहीं मानता था। ये घर के जितने संतान हैं, तेरी कोख से पैदा नहीं हुए, पर तूने उनको अपनी संतान माना, ना? अने बीरवा के लिए तो तूने, अबे बस, अबे मेरी इच्छा है कि तू अपने लिए जी, जरा खुशी देख, हंसती रहे, क्योंकि तू हंसती है ना, तो बहुत गमता है मुझे, समझी मारी बात? अने जो चौथी मोटी बात, मैं खुद बोलू ना तुझे तो पलट के फरी थी बोल देना, मुझे डरना मत। तो पर मालिक, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? अरे तू मारी धर्म पत्नी छे, मैं याद छे ना कि अहमदाबाद में क्या बोला था, कि धर्म पत्नी को पति के पीछे नहीं साथ में होना चाहिए, समझी गई? पर मालिक, बस अब कोई बातचीत नहीं, मेरी बात समझ गई ना? तू हंसती रह, मैं खुश रह जीवन में। हाँ, जीवती रह, जीवती रह।